हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू स्टार्ट न्यू यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ बायो बूस्टर। माय नेम इज भोजनाथ विराजिंग एंड आई हैव डन माय एम टेक इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय ट्रेनिंग स्टूडेंट इन बायोलॉजी फॉर नीट लेवल। The purpose of my channel is to provide online course in very minimum cost with all the lesson covered along with the question banks discussed, and this channel will help you in overcoming the obstacle what you people are getting nowadays during the pandemic time by sitting at your home and making a smooth preparation for your NEET 2022. So today I'm here to start a new topic of class labeling, that is first topic in biodiversity chapter, living world. So first of all, living world kya hai? How can you define living world? The planet of living organisms? Yeah? So we can simply say this is the planet of living organism. And that planet is our Earth. And this planet is our Earth. Why you call this planet of living organisms? Jo Earth hai, यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिटी है। देयर इज लाइक हाई डाइवर्सिटी, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक योर रूम, मतलब एक अपना कमरे का बात किया जाए, इस कमरे में भी ऑब्जर्व करो तो देयर विल लाइक लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कमरे में क्या मिल जाएगा आपको? सो देयर विल बी लाइक द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक रैट, कॉकरोचेस, लिजर्ड क्रॉलिंग ऑन वॉल्स, यू विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटोज, और ये सब क्या है? दे ऑल आर लिविंग, मतलब एक सब है, सब में लाइफ है। दे ऑल आर लिविंग। जब बाहर जाओगे, जिसे बाहर ऑब्जर्व करो, व्हेन यू ऑब्जर्व द ओपन स्काई, यहाँ पे क्या देखो? बर्ड्स फ्लाइंग। जिसे हो गया क्या? देयर विल बी लाइक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। यू कैन फाइंड वैली ऑफ फ्लावर, एग्रीकल्चर लैंड, जहां पे डिफरेंट क्रॉप्स वगैरह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर लैंड में जैसे हो गया राइस, पैडी प्लांट, you can say paddy, wheat, pulses, vegetables, ये सब लिविंग है। इन सब, इनको लिविंग क्यों बोलता है? इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिनको लाइफ बोलता है। सो दैट इज फॉर्मिंग देम, बिकॉज ऑफ दैट दे आर लाइक, दे हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ व्हाट यू से existence as a life form. So other thing is like, जो दूसरा चीज है इन लिविंग में, कि जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, they all are having like some level of, they all are having some level of similarity. जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उठा लो, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है,
और ए सिमिलैरिटीज कुछ में बहुत ज्यादा है, सो दे विल लाइक हाई हाई नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. Which is having fewer having very low number of similarities, low level of similarities. And other is like they are, means they are showing the relationship, means they are like they are showing मतलब a in living organisms. रिलेशनशिप शो करता है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप. चलो अब मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप एक कुछ नया टर्मिनोलॉजी लग रहा है आप लोगों को लिए, बट हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा? अभी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे है, ओके, दे ऑल हैव सम लेवल ऑफ दे सम दे ऑल हैव सम लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज, ओके, दे ऑल हैव जेनेटिक सिमिलैरिटीज इन सम लेवल, सो दे आर लाइक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. इट शोज सिमिलैरिटीज between all existing living organisms. ठीक है, तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करता है सब में मतलब उन सब में सिमिलैरिटीज को हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बोलता है. अदर इज वर्टिकल रिलेशनशिप, जिसे दूसरा का बात किया गया वर्टिकल रिलेशनशिप. वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब हो गया, और यू कैन से वर्टिकल रिलेशनशिप और वर्टिकल सिमिलैरिटीज इसमें दिखाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी एग्जिस्ट करता है, सो इट शोज द रिलेशनशिप रिलेशनशिप और सिमिलैरिटीज बिटवीन organisms or between pre-existing organisms, pre-existing and post pre-existing and existing living organisms. And also with future and also will have relationship or you can say similarities with the future living organisms. ये सब है, this is all story about the living organisms. Okay, अभी जाके देखोगे तो बहुत मतलब अभी when you talk about the current scenarios, there is like around 1.7 to 1.8 millions of living organisms, millions of species, okay, existing in this earth.
इन द अर्थ। और ए मतलब क्या बोलते हैं कि अभी का डाटा है। बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। सो देयर लाइक हाई डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स। सो देयर लाइक हाई डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। सो इन दिस टॉपिक अब जो बात करने जा रहे हैं हम, ए टॉपिक का, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे 400 टॉपिक्स। ओके, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे 400 टॉपिक्स। पहले वाला है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स? दूसरा है डाइवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरा टॉपिक है यहां पे, द थर्ड वन इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और द फोर्थ वन इज टैक्सोनॉमिकल एड। Here we'll talk briefly about this topic. इस टॉपिक में जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं? How can you say that the organisms is a living? We'll talk about some characteristics. Along with these characteristics, we will talk about some exceptions of these characteristics. Exceptions existed. Which will help you to identify what living organisms are. मतलब हम कोई भी चीज उठा के, how can you say that the thing which you found is a living or dead? So we need to have a certain set of characters. कुछ set of characters चाहिए इसके लिए जो define करेगा कि चलो भाई living organisms है और non living organisms है। इस suppose जो grow करता है, जो reproduce करता है, जो रिस्पॉन्स करता है, जो मेटाबॉलिज्म करता है और जो सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ एग्जिस्ट, सेल्फ इवॉल्व करता है, उनको लिविंग बोलता है। और जो इन कैरेक्टर्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं एक्सेप्ट करता, उनको नॉन लिविंग बोलता है। बट है एक मतलब, व्हाट यू से, देयर इज आल्सो सम लेवल ऑफ एक्सेप्शन। Well, let's think about the growth. इसे ग्रोथ के बारे में सोचो। क्या होता है ग्रोथ? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करता ही है। बट जिसे हमने सुना है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट बढ़ गया, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स एंड सैंड एंड द सी बैंक और रिवर बैंक। सैंड और स्टोन बनने का प्रक्रिया भी हम देखते हैं रिवर बैंक। क्या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हम कैसे बोलेंगे उनको लिविंग? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो नॉन लिविंग है, उनको हम कैसे, मतलब हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट? जैसे रिप्रोडक्शन, चलो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, बट देयर आर फ्यू। जैसे हो गया मूल्स, जिनको हिंदी में खच्चर बोलता है, देयर आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उनको हम लिविंग बोलेंगे। जिसे है वर्कर हनी बीज है, वो फीमेल स्टेराइड हनी बी होता है, वो ही रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। स्टेराइड वुमन कपल्स हम सोसाइटी में, हम अपना सोसाइटी में भी देखते हैं, कुछ कपल्स
कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज के लिए, कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इश्यूज के लिए वो बर्थ नहीं ले सकता, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, उनको क्या हम लिविंग बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, और इन सब बातें का डिस्कस करेंगे हम, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द सेकेंड वन इज डाइवर्सिटीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटीज, देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी के बात किया गया तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, और डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ क्लासिफिकेशन। जिधर के टेक्सोनॉमिकल कैटेगोरीज में आ गया तो इनमें बात करता है, जिसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में बात किया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ सिमिलैरिटीज दिखाता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखाता है, कुछ कम सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, जो तो उसी कारण से इनको हम डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं, और एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ रिलेशनशिप होगा। जैसे है कि व्हेन यू टॉक अबाउट सिंपल, जैसे इसमें एग्जांपल ले लोगे, डॉग है और ह्यूमन बीइंग है, ये दो प्रजाति है, जिसे डॉग है इनको ज्यादा है, डॉग इटसेल्फ इज वन ग्रुप, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो वन ग्रुप। ठीक है, अब जाके डॉग को, डॉग्स आर सिमिलैरिटीज विद कैट, ह्यूमन बीइंग है ए सिमिलैरिटीज से शो करता है मंकी के साथ, सो दिस ह्यूमन बीइंग एंड मंकी आर केप्ट इन वन ग्रुप। तो बात करते हैं, जैसे हो गया ह्यूमन बीइंग का एक ग्रुप है, जैसे व्हेन टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे भी डिफरेंट ट्राइब्स है, जैसे देखोगे तो यहाँ पे भी आर्यन, मंगोलियन, अफ्रीकन, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, आर्यन का भी एक अलग ग्रुप है, अफ्रीकन का भी एक अलग ग्रुप है, मंगोलियन का भी एक अलग ग्रुप है, इन सब ग्रुप मिलके ह्यूमन ग्रुप, ह्यूमन बीइंग का ग्रुप बना। ह्यूमन बीइंग और मंकी में भी सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज क्या है, दे बोथ आर, मतलब इन दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि इन दोनों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और इन दोनों में वेल सेट ऑफ डेवलपमेंट्स, they are like, they are, they both are erect, एक कुछ सिमिलैरिटीज है इन दोनों में। जब डॉग और कैट का बात किया गया, so they are also like a more similar to each other, in some expect that both are omnivorous, even human being is omnivorous, but they do not have a, what is a menstruation cycle, they are non-placental mammals, and they both are kept in a, you can keep them in a one group. और इन दोनों का बात किया गया, इन दोनों में क्या है, मिल्क ग्लैंड, और जिनको मेमरी ग्लैंड बोलता है वो वेल डेवलप है, और जाके दूसरा सिमिलैरिटी इन दोनों में ये है कि दे गिव डायरेक्ट बर्थ टू देयर यंग वंस, मतलब बच्चे को डायरेक्ट पैदा करते हैं, वेल डेवलप बेबी इज प्रोड्यूस, सो दे बोथ आर केप्ट इन अ सम सर्टेन ग्रुप। और यहाँ देख रहे हो, जैसे है डॉग का एक ग्रुप है,
डॉग में भी डिफरेंट स्पीसीज है, जैसे लोकल इंडियन डॉग हो गया, जर्मन वैरायटी सब है, जर्मन शेफर्ड एंड ऑल, सो दे ऑल आर केप्ट डिफरेंट बट दे बोथ आर डॉग. सो हियर यू कैन सी दैट हाई लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज इन इंडियन डॉग्स बिटवीन द इंडियन डॉग्स देन बिटवीन जर्मन एंड इंडियन डॉग्स. सो इंडियन डॉग्स आर किप्ट टुगेदर, जर्मन डॉग्स को अलग ग्रुप है और दोनों डॉग है उसके एंसेस के ग्रुप में. जैसे कैट है, कैट आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ कैट अवेलेबल, सो डिफरेंट कैट्स आर किप्ट टुगेदर बट दिस टू आर, मतलब देखो एक ए ग्रुप है, एक ए ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में सिमिलैरिटीज है, तो इन दोनों ग्रुप में सिमिलैरिटीज है तो इनको एक ग्रुप में डालेंगे. जिसे मंकी हम ह्यूमन बींग है और मंकी है, मंकी और ह्यूमन बींग में भी सिमिलैरिटीज है, तो ये दोनों मंकी का ग्रुप ह्यूमन का ग्रुप एक ग्रुप है, एक ग्रुप में हमने डाल दिया, ठीक है. बट विद इन द ह्यूमन बींग्स देयर इज अगेन ग्रुपिज्म, मतलब बोलता है कोई आर्यन है, कोई अफ्रीकन है, कोई मंगोलियंस है, मतलब इन दोनों में भी ग्रुपिज्म है. आर्यन जैसे हो गया जिनका क्या बोलते हैं, दे आर हैविंग लॉन्ग एंड शार्प नोज एंड दे हैव सम लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अफ्रीकन एंड मंगोलियंस. सो दिस ऑल लेवल ऑफ ग्रुपिज्म, मतलब ग्रुप का भी बड़े ग्रुप फॉर्म में, जैसे हो गया कि इनका ज्यादा सिमिलैरिटीज है खुद में, इनका भी ज्यादा सिमिलैरिटीज है खुद में, बट ये सब का सिमिलैरिटीज है एज अ ह्यूमन में, तो इन सबको एक ह्यूमन ग्रुप में डाला. ह्यूमन मंकी में सिमिलैरिटीज है तो मंकी ह्यूमन को एक ग्रुप में डाला. मंकी कैट डॉग ह्यूमन ये सब में एक सिमिलैरिटीज है ना. सो इन सब को एक ग्रुप में डाला. सो नाउ यू आर सेइंग दैट ग्रुपिज्म है, जैसे ज्यादा सिमिलर वाला एक जगह है, उससे कम सिमिलर वाला फिर एक जगह है, उन दोनों में जो कॉमन सिमिलैरिटीज है उनके कारण से एक उनका बड़े ग्रुप में लगता है. So in this way there are like different level of groupisms and their relationships. So ये सारे हम discuss करेंगे taxonomical categories में, ठीक है. और हो गया taxonomical aids. Taxonomical aid का बात किया गया तो taxonomical aid में यहाँ हो गया different units जो जहां पे जाके हम living के बारे में living organism